दिविजा के वहां से जाने के बाद मिहिर एक मोबाइल की शॉप पर पहुंच गया और उसने अपनी पसंद का एक मोबाइल खरीदा और उसमें सिम कार्ड डलवाया। ये सब करने के बाद वो एक सुनसान जगह पर गया और उसने एक खास नंबर पर कॉल किया। कॉल तुरंत ही उठा ली गई। मिहिर ने सिर्फ इतना ही कहा, मैं बोल रहा हूं। छोटे सरकार, क्या कोई परेशानी है? मैं बस ये चाहता हूं कि मेरी फैमिली की ओर से मेरे लिए एक ढंग की सेक्रेटरी अपॉइंट की जाए। अगर आप लोग ये नहीं कर सकते तो मेरे पास एक उम्मीदवार है। छोटे सरकार, आपकी नजर में कोई है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे डर है कि कोई नई सेक्रेटरी को काम सीखने में काफी वक्त लग जाएगा और इस बीच आपको काफी दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी। जल्दी इस मामले का कुछ करो, कहते हुए मिहिर ने कॉल कट किया। और तभी अचानक एक परछाई ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। उसने अपना सिर उठाकर देखा तो वही शॉप वाली इंटर्न असिस्टेंट काव्या निकली। छोटे सरकार, काव्या मिहिर के पास आकर बोली, आप मुझे देखकर चौंक गए हैं, है ना? मुझे तुम्हारी बॉडी से कुछ जानी पहचानी सी खुशबू आ रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम पूछा। मैं भी बिष्ट फैमिली की एक सर्वेंट हूं। काव्या हल्के से मुस्कुराई। अब वो कोई भोली भाली शॉप असिस्टेंट बिल्कुल भी नहीं लग रही है, बल्कि उसकी जगह पर एक तेज तर्रार लड़की बैठी हुई है जिसकी ठंडी निगाहों में हल्की सी गर्म जोशी भी देखी जा सकती है। कुछ साल पहले एसबी ग्रुप्स ने कुछ टैलेंटेड आदमियों को हायर करके बिजनेस में लगा दिया था। निखिल भी इन्हीं आदमियों में से एक है जिन्हें एसबी ग्रुप्स ने पाल कर अपने बिजनेस में लगाया है। लेकिन बढ़ते बिजनेस के साथ चुनौतियां भी बढ़ जाती हैं, इसीलिए लगभग 20 साल पहले एसबी ग्रुप्स और बिष्ट फैमिली ने एक नई प्लानिंग शुरू की थी। उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को गोद लेकर अपने नए व्यापारिक किले का निर्माण किया। ये लोग बिष्ट फैमिली के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं और इन लोगों को आमतौर पर जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इन्हें ट्रेनिंग भी उसी तरह से दी जाती है। इन लोगों को कबूतर कहा जाता है। जब से आपका फोन गुम हुआ था तब से आपका कॉन्टैक्ट भी खो गया था और आपके घर के लोग आपकी सिक्योरिटी के लिए काफी परेशान थे और इसीलिए उन्होंने मुंबई में कबूतरों को एक्टिव कर दिया, काव्या ने धीरे से कहा। मैं भी उन्हीं में से एक हूं। आपकी हरकतें थोड़ी खतरनाक सी लग रही थी, इसीलिए मैंने आपका पीछा किया। तब तो तुम जासूस बन सकती हो, तुम्हें अपना ध्यान इस कैरियर की ओर मोड़ना चाहिए। मिहिर हंस पड़ा। वैसे मैं अभी बिल्कुल सेफ हूं तो तुम्हें मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। छोटे सरकार, अगर आपको कोई परेशानी नहीं हो तो मैं आपको सर्व करना चाहती हूं, कहते हुए काव्या ने अपना हाथ दिखाया। उसके हाथों में एक छोटी सी चिप होती है। ये चिप तंत्रिकाओं से जुड़ी है, जिसका मतलब है कि अगर उनके दिमाग में कोई उल्टा मकसद होगा तब वो फट जाएगी और बिना चिप के वो ये नहीं कर सकती थी कि वो एक चींटी है। एक तरह से ये चिप वफादारी की गारंटी होती है। इस समय काव्या ने मिहिर को अपनी पहचान साबित करने के लिए चिप का इस्तेमाल किया है। हालांकि कबूतरों को वफादार रखने के लिए इस चिप का इस्तेमाल करने को लेकर मिहिर हमेशा से ही परिवार से नाराज रहता था, लेकिन इस समय वो पूरी तरह आश्वस्त हो गया कि काव्या बिष्ट फैमिली के लिए वफादार है। मैंने अभी घर फोन किया था, एक्चुअली मुझे एक सेक्रेटरी चाहिए, क्या तुम सेक्रेटरी का काम कर सकती हो? मुझे इस फील्ड में कई सालों का एक्सपीरियंस है, काव्या ने निश्चिंतता के साथ कहा। मुझे मुंबई में बाकी कबूतरों की जगह भी पता है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए कुछ करो। पता लगाओ कि दिविजा के साथ क्या हुआ और उसके पति का उसको लेकर बर्ताव कैसा है। आज रात हमारे कॉलेज में पेंटिंग एग्जीबिशन है, इसलिए मुझे वहां जाना होगा। एक मिनट रुकिए, क्या आप मुझे अपना फोन दे सकते हैं? काव्या ने अपना हाथ बढ़ाया और पूछा। मिहिर ने अपना फोन उसके पास रख दिया। तुम इसके अंदर भी जीपीएस चिप जोड़ना चाहती हो? नहीं, कहते हुए काव्या ने एक सिम कार्ड निकाला और मिहिर के फोन में फिट कर दिया। इसमें पहले से ही एक चिप है,
इसलिए आपके लोकेशन की जानकारी हमारे पास रहेगी। फोन ऑफ होने के बाद लोकेशन गायब हो जाती है, लेकिन इस कारण से ऐसा नहीं होगा और आप ज्यादा सेफ रहेंगे। ठीक है, अब मैं चलता हूं। मिहिर ने अपना फोन लिया और वहां से चला गया। उसके हाथों में अब भी वही बैग है जो उसने संध्या को देने के लिए खरीदा है। जब तक मिहिर कॉलेज लौटा, तब तक पेंटिंग एग्जीबिशन शुरू हो गया है। काफी सारे स्टूडेंट्स ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया है और लगभग पेंटिंग के सारे स्टूडेंट्स इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। इस कंपटीशन की सबसे खास बात यह है कि जो भी इसे जीतेगा उसे फॉरेन में पढ़ाई का मौका और साथ ही मुफ्त में रहने और खाने पीने का खर्चा भी दिया जाएगा। पूरे एग्जीबिशन हॉल के भीतर सबसे अट्रैक्टिव पेंटिंग पर कोई और नहीं बल्कि मिहिर होता है। जैसे ही मिहिर आर्ट एग्जीबिशन गैलरी में गया, उसने उस बड़ी क्लासिकल ऑयल पेंटिंग को देखा। उस पर किसी ने मिहिर का पोर्ट्रेट ड्रॉ किया हुआ है। यक, एक कबाड़ी वाले की पेंटिंग किसने बनाई है? सच में दिस इज डिस्गस्टिंग। मिहिर की पेंटिंग को देखकर वहां पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है। पर ये पेंटिंग बनाई किसने? उस पर सिग्नेचर देखो। अचानक कोई पेंटिंग पर झुक गया और किनारे पर साइन को पढ़ते हुए चिल्लाया, संध्या, उसी पागल ने बनाया है। हाँ, ये उसे ही होना चाहिए। उस पागल को अभी तक क्लासिकल ऑयल पेंटिंग्स पसंद है। मिहिर ने ध्यान से ऑयल पेंटिंग को देखा और एक पल के लिए उसे लगा कि मानो वो पेंटिंग सच में हिल रही हो। वाह, किसी ने हमारे हीरो की पेंटिंग बनाई है। अचानक उसके पीछे से एक अजीब आवाज आई। वो लड़का मिहिर की क्लास में ही पढ़ता है और एक आलसी और मोटा रईस ज्यादा है जिसका नाम सनी है। सनी मिहिर की बगल में आकर खड़ा हो गया और उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि उस साइको को तुम्हारे अंदर क्या पसंद आ गया और तुम्हारे हाथ में ये क्या चीज है। सनी धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसकी निगाहें आसपास के लोगों पर ही टिकी हुई हैं। मिहिर के हाथों में उस बैग की एक झलक देखकर उसके चेहरे पर हैरानी का भाव आ जाता है। अरे, अब ये लोग भी अमीरों का पर्स यूज करेंगे? भाई, सबको पता है कि तुम्हारी हैसियत नहीं है ये बैग खरीद पाने की। नकली बैग लेने से क्या फायदा है? अगले ही पल आर्ट्स एकेडमी के कई लोगों ने उन दोनों को घेर लिया। सबसे आगे वर्षा और रूपाली है जो अपने हाथ लपेटे हुए उदासीन भाव के साथ मिहिर को देख रही होती है। वर्षा मिहिर की बचपन की दोस्त है, तो वहीं रूपाली जो कि इससे पहले मिहिर के दोस्त अचल की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन पैसों के लिए उसने अचल को छोड़ दिया था। रूपाली ने डरते हुए उसकी ओर देखने से परहेज किया। मिहिर ने अपनी नजर पूरी भीड़ पर डाली, लेकिन वो संध्या को नहीं ढूंढ पाया। किसे ढूंढ रहे हो? अचानक सनी ठहाका लगाकर हंस पड़ा और बोला, अरे कहीं तुम उस साइको को ढूंढने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? हाँ। मिहिर ने सनी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और उसकी आंखें चारों ओर भीड़ में ही किसी को ढूंढने लगती हैं। आखिरकार उसे पहली मंजिल पर संध्या दिखी। उसने गुलाबी रंग का एक साधारण सा सलवार सूट पहना हुआ है। वो सीढ़ियों से नीचे उतरी और हैरानी के साथ लोगों को देखने लगी। ठीक उसी समय मिहिर ने अपना हाथ उठाया और संध्या धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसके चेहरे पर हल्का सा उत्साह दिखा। उसने मिहिर को देखते हुए पूछा, क्या तुमने पेंटिंग देखी? वो मैंने खास तुम्हारे लिए बनाई है। संध्या की बात सुनते ही भीड़ ठहाका लगाकर हंस पड़ी। एक साइको और एक कबाड़ी वाले का जोड़ा, वाह, भगवान ने भी क्या खूब जोड़ी बनाई है। मिहिर ने उन सब की बातों को नजरअंदाज कर दिया और अपने हाथों में पकड़ा हुआ पैकेट संध्या की ओर बढ़ा दिया। तुम्हारे लिए है। नहीं, ये मैं नहीं ले सकती, कहते हुए संध्या की आवाज कांपने लगी। तुमने पहले ही मेरी बहुत मदद की है,
अब मैं तुम्हारे गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ये बस तुम्हारे जीतने की खुशी में तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। मिहिर ने ऊपर की ओर देखा जहां दूसरी मंजिल पर एक पोडियम लगा दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर बाद ही विनर का नाम अनाउंस कर दिया जाएगा, लेकिन अब मिहिर लाइमलाइट को बाहर नहीं जाने देना चाहता है। उसने संध्या की ओर देखा और कहा, इसे खोलकर तो देखो। संध्या नहीं जानती है कि बिना रिजल्ट अनाउंस हुए मिहिर उसे कॉन्ग्रेचुलेट क्यों कर रहा है, लेकिन उसने मिहिर का गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया और उसके कहने पर धीरे से गिफ्ट खोला। अरे नहीं, ये तो बिल्कुल नया लग रहा है। क्या ये सच में नया पीस है? भीड़ में खुसर फुसर की आवाजें गूंजने लगी। आर्ट्स एकेडमी की अधिकतर लड़कियों को पता है कि ये क्या है, भले ही उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि मिहिर ये बैग कहां से और कैसे लेकर आया है, लेकिन सब जानते हैं कि गिफ्ट में मिले बैग की कीमत क्या है। इसके पैकिंग और रैपर से ऐसा लगता है कि सच में यह नया कलेक्शन है। इम्पॉसिबल, ये मिहिर तो कचरा इकट्ठा करता है, और इस बैग की कीमत 1 लाख से भी ज्यादा होगी। इतनी बड़ी रकम इकट्ठा करने में उसे 12 से 15 साल लग जाएंगे। आमतौर पर अमीर लोगों के बीच गरीब लोगों को कुछ खास अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता है, और दुनिया की नजरों में मिहिर जैसे गरीब आदमी के लिए ऐसे महंगे बैग को खरीदना नामुमकिन है। सबको यही लग रहा होता है कि वो संध्या को कोई नकली बैग गिफ्ट में दे रहा है। एक पल में ही मिहिर को सैकड़ों निगाहें खुद पर चुभती हुई सी महसूस हुई। इन आंखों में उसे गुस्सा और बहुत हद तक घृणा भी नजर आ रही है, लेकिन मिहिर को इन निगाहों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसने मुस्कुराते हुए संध्या को देखा और कहा, यह बैग वाकई में तुम पर सूट करेगा। संध्या के हाथ कांपने लगते हैं और उसने कांपते हाथों से ही बैग को अपने कंधे पर डाल लिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने मुझे क्या दिया है, भले ही यह असली है या नकली, लेकिन मेरे लिए यह बेशकीमती है और मुझे यह पसंद है। इस चूहे को बस एक बिल चाहिए। अचानक एक आवाज आई, वैसे भी वो सिर्फ एक नकली बैग है, और जनाब का चेहरा तो देखो, ऐसा लग रहा है कि कोहिनूर हीरा गिफ्ट कर दिया हो। भाई, तुमसे कई गुना अमीर आदमी इस कॉलेज में पढ़ते हैं। भीड़ में एक बार फिर से खुसर फुसर होने लगी, लेकिन उन दोनों के चेहरे पर हल्की सी भी बेचैनी नहीं दिखाई दी। उसी समय कल्पना अपनी हाई हील्स के साथ वहां आई और संध्या के कंधों पर टंगे बैग पर अपनी निगाहें टिका दी। क्या ये वर्साचे ला मेड्यूसा का लेटेस्ट मॉडल है? व्हाट द? उसने लगभग चीखते हुए मिहिर से पूछा, लेकिन मिहिर की नजरों के सामने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। कल्पना ने एक गहरी सांस ली और संध्या से बोली, तुम वाकई में काफी खुशकिस्मत हो, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने जो बैग तुम्हें दिया है वो असली है। इतना कहकर वो मुस्कुराई, क्योंकि ये बैग हमारी कंपनी की तरफ से मिहिर को गिफ्ट किया गया है। जैसे ही कल्पना ने यह बात कही, मिहिर ने महसूस किया कि अब तक उस पर टकटकी लगाए भीड़ की नजरें उससे हट गईं, और यह जानकर उसने एक राहत की सांस ली। तुम तनिष्क की बड़ी बहन हो तो क्या हुआ, तुम भी यह साबित नहीं कर सकती हो कि यह बैग असली है ना? सनी चिढ़ते हुए बोला, तुम कैसे भी देख लो, लेकिन यह बैग नकली है। हर कोई जानता है कि मिहिर कंगाल है और इतना महंगा बैग खरीद नहीं सकता। वैसे भी यह नया मॉडल है और पूरे मुंबई में एक ही है। यह SB ग्रुप की ओर से तोहफा है, क्योंकि मैंने संध्या के टैलेंट को ढूंढा है। मिहिर ने तेज आवाज में जवाब देते हुए कहा तो पूरे एग्जीबिशन में सन्नाटा छा गया। हर किसी की हैरान नजर संध्या और मिहिर पर ही टिक गई। ठीक उसी समय मंच पर खड़ा एक आदमी जो कि इस कल्चरल एग्जीबिशन का प्रभारी है, वो उठा और मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि अब सीक्रेट लीक हो ही गया है तो मैं इसे और नहीं छिपाऊंगा। इस कल्चरल एग्जीबिशन में हमने फॉरेन स्टडीज के लिए मिस संध्या को चुना है। किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि इसके बाद उस आदमी ने आगे और क्या कहा। हर किसी की जलन भरी नजर संध्या पर ही टिक जाती है।
वहीं संध्या हैरानी के साथ मिहिर को देखती रहती है। उसका सिक्स्थ सेंस उससे कह रहा है कि यह सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं इन सब की जड़ में मिहिर ही है। तो क्या होगा आगे? क्या संध्या मिहिर का सच पता लगा पाएगी? क्या करने वाला है आगे मिहिर? अपनी सच्चाई को कब तक छुपा पाएगा मिहिर? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए रईस ज़ादे सिर्फ पॉकेट एफएम पर।